नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम चौधरी, आपके सामने एक नई ऐसी न्यूज का एनालिसिस करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अभी मुद्दा बना हुआ है उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। उसके बारे में हम देखते हैं, एक चर्चा करते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। तो आगे चलो, तो क्या है कि मालदीव भारतीय सैनिकों को क्यों निकाल गया। जो मुद्दा चल रहा है कि मालदीव अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें उनके राष्ट्रपति जो नए चुने गए हैं मोइनुद्दीन जी, वो क्या कह रहे हैं कि जी हमारे जो धरती पे जितने भी भारतीय सैनिक है उनको हटाया जा रहा। उन्होंने क्या किया, अपने चुनाव हुए थे उसमें भी एक नारा दिया था, उसका फायदा लिया था कि इंडिया आउट, कि मेरी जो धरती पे जितने भी इंडिया के है सैनिक है उनको आउट किया जाए, हमें हमारी स्वतंत्रता से जीना जीने दिया जाए। इसी पे बातें चल रही है, तो इसके इसको स्टार्ट करके और देखते हैं कि आज का सेशन कैसा है क्या नहीं है, इसमें क्या देखेंगे। तो मालदीव भारतीय सैनिकों को क्यों निकाल रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले कि मालदीव है कहाँ पे क्या है। तो देखो ये हिंद महासागर में पड़ता है मालदीव। कहाँ पे पड़ता है, हिंद महासागर में पड़ता है। यह मालदीव का कुछ द्वीप बताया गया है, दिखाया गया है। देखो हिंद महासागर में यह पड़ता है। तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हिंद महासागर की निगरानी के लिए सभी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री खेप को यूज करने के लिए अपना अपना हक जता रहे हैं। उसी में भारतीय भी, भारत भी एक ऐसा देश है जो मालदीव के सहारे अपनी वर्चस्व इस हिंद महासागर में बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है, कैसे, यह पड़ता कहाँ पे, जो अपना भारत है, जो अपना भारत है उससे ये 8 डिग्री चैनल, ये कौन सा डिग्री, 8 डिग्री चैनल है उससे अलग होता है। किस, मालदीव, मालदीव है भारत के जो लक्षद्वीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप में मिनिकॉय एक द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल से मालदीव भारत से अलग होता है, जो हिंद महासागर से लगा हुआ देश है। तो हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए भारत भी अपना क्या कि मालदीव के साथ एक अच्छे समझौते संबंध कभी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वो मालदीव को जब चाहे तब सहायता देता रहा है और करता रहा और अपना वहां पे वर्चस्व स्थापित कर रहा है। तो उसी हिसाब से इन्होंने क्या है कि मालदीव का जो क्षेत्र है उसके अंदर भारतीय सैनिक अभी मौजूद है, तो उन्होंने क्या नारा दिया कि इंडिया आउट, कि मेरी धरती पे इंडिया के कोई भी सैनिक नहीं चाहिए। इसी के साथ अब आगे स्टार्ट करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा छाया हुआ है भारत और मालदीव के बीच, अभी जो कमेंट आ रहे हैं उनमें देखो क्या क्या कमेंट आ रहे हैं कि ये जो हमारे जो उनके राष्ट्रपति है मोइनुद्दीन जी, वो क्या कह रहे हैं, ये भारतीय जितने भी सैनिक है ये हमारी धरती से हट जाने चाहिए। वो बोल रहे हैं कि सारे जितने भी समझौते किए हुए वो समझौते तोड़ देंगे। सैनिकों को निकालने की धमकी के बाद भारत बोला मालदीव, भारत से मालदीव बोला कि पूरे सैनिकों को निकाल देंगे, हमारे साथ जितने समझौते हुए हैं वो हम खत्म कर देंगे। भारत भी हिंद महासागर के एक महत्वपूर्ण हिस्से की निगरानी के लिए रणनीतिक रूप से स्थित मालदीव पर पैर जमाना चाहता है, और भारत ने भी मालदीव को विकास में सहायता, लगभग 2 अरब डॉलर विकास में, विकास के लिए सहायता दी है। उधर चीन क्या कर रहा है कि आप भारतीयों को निकाल रहे, हम आपको विकास के लिए पैसे देंगे और हमारे साथ समझौते करो, भारतीयों के साथ जितने समझौते हो रहे उनको तोड़ दो। ऐसा ऑफिशियली तो नहीं कहा गया लेकिन ऐसा मानते हैं। बाकी इन्होंने इस चीज को खारिज किया एकदम से मोइनुद्दीन जी, इन्होंने क्या कहा है कि मैं ना किसी देश का विरोधी हूँ ना किसी देश का पक्षधर हूँ, हम हमारी स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं और हमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, इसलिए आप सब ये इन बातों को खारिज करें। इन्होंने साफ नकार है कि ना तो मैं चीन का पक्षधर हूँ ना भारत का पक्षधर हूँ। आगे इन्होंने क्या कहा है कि मोहम्मद मोइजुद्दीन ने कहा है कि भारत को अपने सैनिकों को हटा लेना चाहिए। कहाँ से हटा लेना चाहिए, मालदीव से निकालना। उन्होंने कहा है कि भारत को अपने सैनिकों को मालदीव से निकालना होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कब लेंगे, नवंबर के अंत में शपथ लेंगे, लेकिन पद संभालने से पहले उन्होंने भारत को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मोइजू ने अपने चुनावी अभियान के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था। क्या नारा दिया था मोइजू ने, मोहम्मद मोइजू ने अपने चुनाव के दौरान नारा दिया था कि इंडिया आउट, और इसी का उन्होंने फायदा भी लिया है। तो उन्होंने तब से जब से जीते हैं तब से एक ही कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से सैनिक हटवा लो। उनके हमारे राजदूत से भी उन्होंने मिलकर बात की है कि आप हमारे देश की धरती से सैनिकों को बुला लो, ये हमें सेटअप नहीं हो रहा है। मैंने इसका वादा किया था अपने लोगों से कि मैं इंडिया के इन सैनिकों को हटवाऊंगा, तो वो उनका मैंने फायदा भी लिया, मैं जीता हूं, तो मैं इस पर अब काम करूंगा और पहले दिन से इस पर काम कर रहा हूं। तो मोहम्मद मोइजू ने कहा है कि भारत आउट के नारे के साथ उन्होंने काम स्टार्ट किया था।
और अपना चुनाव भी जीत गए। और उन्होंने देखो कहा क्या कहा यह बताना है कि हमें मालदीव की जमीन पर कोई विदेशी सैनिक नहीं चाहिए, मालदीव की जमीन पर एक भी विदेशी सैनिक नहीं चाहिए, मैंने मालदीव के लोगों से वादा किया था और पहले दिन से अपने वादे को पूरा करूंगा, पूरा करने में लगा और पूरा करके रहूंगा, ये सी बातें ये कर रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत अपने सैनिकों को वापिस बुला ले, आराम से राजी खुशी बुला ले, नहीं तो कोई काम हो सके, युद्ध कौन करना चाहवा। तो इसके बारे में आगे चलते हैं कि मैंने मालदीव के लोगों को भारतीय सैनिकों को निकालने का वादा किया था, उसी पे हमें काम कर रहा हूँ। मोहम्मद मोजी ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया उन्होंने अपनी जीत के कुछ दिनों बाद ही भारतीय राजदूत से मुलाकात की और उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ से मौजूद प्रत्येक भारतीय सैनिक कर्मी को निकाला जाए। उन्होंने कहा हम भारतीय मालदीव की धरती पर कोई भी विदेशी सैन्य आक्रमण नहीं चाहते हैं, मैंने मालदीव के लोगों से वादा किया था और मैं पहले दिन से अपने वादे पर खरा उतरूंगा। ये बात उन्होंने कह दी, किन्होंने कह दी, मोहम्मद मोइजो ने। जो अभी अब भारत इस पे क्या है, भारत की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में देखते हैं कि भारत ने क्या कहा है क्या नहीं कहा। तो देखो भारत है पहले क्या है, इनको क्या दिया, मालदीव को जब पहले वाले राष्ट्रपति थे 2018 में कुछ समझौते के तहत $2 अरब रुपए की सहायता दी थी, लेकिन उन्होंने क्या, मैं मालदीव, फिर उन्होंने मोइजुद्दीन ने ये कहा है कि मैं मालदीव समर्थक व्यक्ति हूँ, मेरे लिए मालदीव सबसे पहले, हमारी स्वतंत्रता सबसे पहले, मैं ना किसी देश का साथ दे रहा हूँ ना ही किसी के खिलाफ हूँ। जब इन्होंने भारत के खिलाफ इंडिया आउट का नारा किया तो उन लोग दुनिया में बातें उठी कि ये चीन के समर्थक है, भारत के विरोधी है, तो इस बात को इन्होंने साफ साफ नकार दिया कि मैं मालदीव का समर्थक हूँ, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें किसी का पक्षधर हूँ ना ही किसी का दुश्मन हूँ। जब भारत ने इसको $2 अरब की सहायता दी थी उसके अंदर उन्होंने क्या क्या दिया ये देखते हैं। एक तो उन्होंने दिया कि 2010 और 2013 में दो हेलीकॉप्टर दिए थे, किनको दिए थे, मालदीव को, और 2020 में एक छोटा विमान दिया था मालदीव को। अब इनको चलाने के लिए भारत ने क्या किया कि खुद के ही सैनिक, भारत के ही सैनिक इन्हें ऑपरेट करने के लिए उनकी धरती पर रख दिए। कितने सैनिक रख दिए, 75 सैनिक रख दिए। तो अब उन्हीं को वापस बुलाने, वहां की जनता क्या सोच रही है कि भारत जो हमें सहायता दिए इसके तहत वो अपने पांव यहाँ पे जमा रहा है और हमारी स्वतंत्रता पे आक्रमण कर रहा है, ये कह के उन्होंने हटा दिया। इंडिया वालों को बोल रहे हैं कि आप जाओ यहाँ से, हमारे आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। इसके तहत देखो इसमें इन हेलीकॉप्टर और विमान के संचालन के लिए करीब कितने सैनिक मौजूद है, भारत के 75 सैनिक मौजूद है। और इन भारत ने इनको क्या कहा है कि ये हमारे किसी युद्ध या किसी और काम के लिए हमने नहीं दिए हैं, इनका सिर्फ और राहत और बचाव कार्यों और मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जितने भी ये कार्य हैं, यदि हेलीकॉप्टर और इस यान को यूज में करना है तो इनको सिर्फ और सिर्फ राहत और बचाव कार्य और मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाने के लिए ही भारत ने इनको दिए हैं। तो इनके तहत जिन इनके ऑपरेट करने वाले सैनिक है वो वहीं पे है भारत में, भारत के ही है। कहाँ पे है, मालदीव में। तो उन्होंने क्या कि मालदीव में कितने भारतीय सैनिक तैनात है, तो इसके बारे में बताया कि कितने हैं, 75 सैन्यकर्मी अभी तैनात है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में दो हेलीकॉप्टर और साल 2020 में एक छोटा विमान तोहफे में दिया था। और भारत ने कहा कि विमान का इस्तेमाल खोज और बचाव अभियानों और चिकित्सा निकासी के लिए किया जाना था, लेकिन 2021 में मालदीव के रक्षा बल ने कहा कि भारतीय विमानों के संचालन और रख रखाव के लिए सैनिक है, इससे शक है और गुस्सा पैदा हुआ कि कई लोगों ने यह आशंका जाहिर करते हुए कहा कि इन टोही विमानों के जरिए मालदीव में भारतीय सैनिक तैनात करने का बहाना बनाया जा रहा है। अब इनके रखरखाव के लिए भारतीय सैनिक थे तो उनको क्या, उन्होंने वहां के देश ने सोचा कि ये फिर यहाँ पे भारतीय सैनिक को रखने का एक बहाना है, ना कि हमारी हेल्प है, हमारी कोई सहायता नहीं है। इसी के लेकर वहां की जनता गुस्सा है, लोग गुस्सा है। इसी पे इन्होंने कहा है कि जो मोहम्मद मोइजी अभी नए राष्ट्रपति चुनकर आए हैं उन्होंने क्या कहा है कि हमें नहीं पता कि अब जो भारत के साथ समझौते हुए थे 2018 के बाद में जितने समझौते हैं, भारत के मालदीव के बीच में जितने समझौते हैं आज तक के, उनमें उन्होंने क्या कहा है कि हमें नहीं पता आपके साथ क्या समझौते हुए हैं, समझौतों में क्या है। यहाँ तक कि संसद में कुछ सांसदों ने बहस के दौरान कहा था कि उन्हें भी नहीं पता कि इसमें क्या है, पता लग तो इन्होंने मोदी क्या क्या समझौते हैं इनका पता लगा कर रहूंगा और जितने भी समझौते हैं उनको मैं खारिज करके रहूंगा, यही चर्चा का विषय बने हैं अभी। तो कुल मिलाकर बात यह थी कि जो अभी मोहम्मद ये जो वहां के राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइनुद्दीन, ये इन्होंने क्या किया है
कि भारत से जितने भी सैनिक है उनको हटाओ। इन्होंने अपने चुनाव में नारा दिया था इंडिया आउट का, उनका इनका कहने का एक ही पक्षधर रखा है कि जो हमारी सहायता की जा रही है उसके तहत हमारी स्वतंत्रता है, निजता है, उसको उसका हरण हो रहा है, इसलिए हम हमारी धरती पे एक भी विदेशी सैनिक नहीं चाहते, ना मैं किसी देश का पक्षधर हूँ ना ही किसी देश का दुश्मन हूँ, तो मैं सिर्फ पक्षधर हूँ तो मालदीव का हूँ, और हमें हमारी स्वतंत्रता से जीने दिया जाए, किसी कोई भी देश हमारी सीमा पे आके या हमारी धरती पे आके कोई गतिविधि ना करे। और इन्हीं से दूर रहने के लिए इन्होंने क्या क्या है कि आप भारत वालों को कहा कि आप अपने सैनिक हटा लो, और मैंने चुनाव में भी यही वादा करके पद पर पहुंचा हूं, राष्ट्रपति चुना गया हूं, कि इंडिया आउट के नारे से यहां तक आया हूं तो मैं अपना वादा पूरा करके रहूंगा और पहले दिन से काम कर रहा हूं। यह शपथ कब लेंगे? 19 नवंबर में शपथ, लास्ट नवंबर में शपथ लेंगे, लेकिन उन्हें कार्य अभी से स्टार्ट करना दिया। यही एक मुद्दा बना हुआ था अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों में कि भारत और मालदीव के बीच जो पहले से अच्छे संबंध थे उनमें इनके चुने जाने पर अब क्या है कड़वाहट पैदा हो गई है, मोहम्मद मोइजू के चुने जाने पर कड़वाहट पैदा हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रही है, इनका सबसे जिक्र किया गया। उन्हीं को मैं आपके सामने रखकर एक सरल भाषा में उनका आपके साथ बातचीत की है कि क्या है क्या नहीं है ये मुद्दा है। मैं ऐसे ही नए नए मुद्दे न्यूज एनालिसिस करने के लिए आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आप लगातार देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे जो शिखर क्लासेस का ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।